चाहे आप अमीर हैं या गरीब, 3D पेन के पास सबके लिए हैक्स हैं। पता नहीं लोग बासा लेमोनेड कैसे पी लेते हैं, मेरी समझ के बाहर है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँ तो फिर मुझे शूज चाहिए होंगे। हाँ, फिर क्या करूँ? यूहू, हाँ एवा, मुझे शूज चाहिए। ये इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं सबसे चमकदार वाले लाया। नहीं, हाँ ठीक है। फायरी रेड, नहीं सैंडल्स। और ये स्नीकर्स कैसे हैं? नहीं, शूज थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। मेरे पास बाकी सब तो है। ठीक है एवा, ये वाला आखिरी है। चलो भी, बारिश नहीं आ रही। मुझे निकालना मत, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ करना होगा, खुद से शूज बना लूँ क्या? अरे यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या वो ये पहनेगी? अब बस यही बचा है। लेकिन ये काफी बढ़िया प्लांटर है। मैं समझ गया, 3D पेन से गैप्स फिल करें, जब तक मनचाही शेप ना आ जाए करते रहें। एक शू सोल बन गई। अब इस तरह का पेपर बोल लें और इसे काटें। पेन से इसे चिपकाएं। ये बार्स इसे टिकाए रखेंगे, करते रहें। और जब ये हो जाए पेपर पीस निकाल लें। बार्स को साथ लाने के लिए रिबन इस्तेमाल करें। एक प्यारी सी बो बना लें। ये प्यारे हैं, उसे पसंद आएंगे। ओ एवा, देखो कितना अच्छा पेयर है, तुम्हें पसंद आया? सच में? बिल्कुल पक्का? हे भगवान, बस उसे पसंद आ जाए। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। पक्का ना? अब ये मेरी जिंदगी का फैसला होगा। चल करो, मैं पहन लूंगी। ये प्यारे हैं, बस मेरे ही साइज के हो। बढ़िया, और ये काफी अलग है। मैं इनके साथ ग्राम पर शो ऑफ करूंगी। और ये गंदगी, ये सब मैं क्यों करूं? ओह, बहुत ठंड है। मैं दोबारा काउच पर सो गई। वो बाल भी अड़ गए। मेरी कॉम कहाँ है? इसमें तो और बाकी फालतू सामान है। बकवास, इस पर तो मकड़ी के जाले लगे हैं। बिल्कुल ही बेकार है ये, पहले की तरह काम नहीं कर रहा। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। आउच, बहुत अड़ गए हैं। गह, ये क्या है? निकल जाओ। चलो भी। गह, वो ये मेरे बालों का हिस्सा था। इसने इतने ज्यादा बाल क्यों निकाल दिए? जो भी है, मैं हाथों से कर लूंगी। नहीं, यहाँ कुछ और पड़ा है। तो स्पैचुला कैसा रहेगा? ब्रिसल्स बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आप ब्रिसल्स लंबे या छोटे कैसे भी रख सकते हैं। पूरा स्पैचुला कवर करते हुए करते जाएं। अब इसे ट्रिम करते हैं, आधा काफी होगा। हो गया, आपको एक ब्रश मिल गया। अब बाल बिल्कुल भी नहीं अड़ेंगे और मेरे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। और इसमें कुछ ज्यादा लगा भी नहीं। देखो मेरे बाल अब कितने बढ़िया हैं। क्रिएटिव होना अच्छा है और थका देने वाला भी। ओहो, मैं इस टेस्ट के लिए तैयार तो हूँ। ये क्या चल रहा है? इतने बड़े बड़े सर लेकर आ गए। हम आज पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? बेस्ट पार्टी? शानदार। बेस्ट पार्टी?
ever. मेरे पास कपड़े भी हैं। Party time. पर ये nails, मैं ऐसे नहीं जा सकती। पर manicure बहुत महंगे होते हैं। मैं इन्हें कैसे छिपाऊं? मेरा 3D pen. अच्छे नेल्स चाहिए, पहले कुछ पार्चमेंट पेपर लगाएं। क्यूटिकल्स डिफाइन करके नेल की आउटलाइन ट्रेस कर लें। अब पेपर हटा लें। अब नेल ड्रॉ कर लें और पेंसिल से फिल कर दें। रेड अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कर्व करने के लिए इस तरह की बार का इस्तेमाल करें। अब इसे पेपर से निकाल लें और ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। टडा! लाजवाब! और ये आसान भी है। महंगे महंगे मैनिक्योर में पैसे कौन लगाए, जब आप ये खुद कर सकते हैं। हे, क्या बढ़िया नेल्स है। शुक्रिया। ये हुई ना बात। हे वाह, तुम तो आज चमक रही हो। क्या ये असली है? नहीं, ये डेविड है। नहीं, मेरे बाल, मैं फ्लोटी होने की कोशिश कर रही थी। ओह, ये लंबे बाल, ये बेहतर है। वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता, सारी अटेंशन एवा पे जाती है। सच में? चलो दोबारा करें। सब ठीक है? हाँ, मेरा सारा सामान गिर गया। ये दिन तो बुरा ही होता जा रहा है। हाय डेविड। वो एनी के इयररिंग्स देखो। हे, मैं? एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पसंद है? ये बहुत अलग है। मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। एनी अपने आप को बहुत तेज समझती है। उसकी इयररिंग सच में कूल है। मुझे तुम्हारी ईयर कैंडी पसंद आई। मैं तुम्हारी बनाने में मदद करूं? 3D पेन से एक लीफ के पिक्चर को ट्रेस करें और इसे अंदर से भी कलर करें। ये बिल्कुल असली लीफ लग रही है। देखो, जब ये सूख जाए इसे चेन से चिपका दें। अब नीचे एक और लीफ लगा दें। आप इसे मिक्सर मैच कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ, है नी? शुक्रिया। ये लगते तो महंगे ही हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास ऐसा 3D पेन हो? आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम तो वो फंकी सैंडल्स बनाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने ये देखे, मजा बरकरार रखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।